हाय भाई, सबसे पहले आप सबको मेरे और गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डाइजेशन के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वास्तव में रेस्पिरेशन क्या है, और रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में श्वसन कहते हैं। अगर हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो एक बात आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा हूँ लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव, और यहाँ पर मैं लिखा हूँ नाउ लिविंग। नाउ लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें सजीव और निर्जीव में अंतर भी पता होना चाहिए। अगर हम सजीव और निर्जीव में अगर हमें अंतर नहीं पता है तो हमारा बायोलॉजी पढ़ना व्यर्थ है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन का मैं इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ सजीव और निर्जीव के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर होते हैं उनको मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव किसे कहेंगे, क्योंकि तो अधिकांश अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो अधिकांश बच्चों को सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, ये पता नहीं होता। तो सजीव को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीव के बारे में अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो सजीव की पहचान क्या होगी, तो आपको बता देना चाहूंगा। सजीव मतलब जिसमें जीवन की पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया उपस्थित हो, जिनमें जीवन की पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया हो, ऐसे जीव को हम लोग सजीव कहेंगे। अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया का पहले नाम आप लोग याद कर लीजिए। पहला होता है डाइजेशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है एक्सक्रेशन, चौथा होता है रिप्रोडक्शन, और पांचवा होता है लोकोमोशन। सजीव की पहचान जिसमें जीवन की पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया हो उसी को सजीव कहते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन को हम लोग हिंदी में पाचन कहते हैं, रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहते हैं, एक्सक्रेशन को हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं, और रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग प्रजनन कहते हैं, और लोकोमोशन को हिंदी में हम लोग प्रचलन कहते हैं। तो इनमें जिनमें पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया हो वही सजीव है। तो डाइजेशन की परिभाषा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक बार और डाइजेशन की परिभाषा आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज डाइजेशन? तो पाचन किसे कहते हैं, तो पाचन जीव में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके पर जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में बदला जाता है। उसके बाद सेकंड में लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो श्वसन जीव में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटित किया जाता है, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखा हूँ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब जीवों के शरीर में बनने वाले अधपचे और अनपचे पदार्थों मतलब जीवों के शरीर में बनने वाले हानिकारक और वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहलाती है। रिप्रोडक्शन का मतलब पढ़ चुके हैं, अपनी जाति और वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने ही समान नए जीवों को पैदा करने की क्षमता रखता है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लोकोमोशन का अर्थ आपको पता होगा, लोकोमोशन का मतलब होता है जिनमें जीवन के लक्षण हैं वे अपने शरीर को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं, जीवों के इस गुण को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। तो सजीव की पहचान करना है तो उसमें जीवन की पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया को होना बेहद जरूरी है। उसके बाद नाउ लिविंग लिखा हूं। नाउ लिविंग मतलब जिनमें जीवन की पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया ना हो, तो कौन कौन से ना हो, जिनमें डाइजेशन ना हो, जिनमें रेस्पिरेशन ना हो, जिनमें एक्सक्रेशन ना हो, जिनमें रिप्रोडक्शन ना हो, और जिनमें लोकोमोशन ना हो, ऐसे एनिमल्स को हम लोग नाउ लिविंग या निर्जीव कहते हैं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि वायरस, हम लोग ये पढ़ चुके हैं वायरस। वायरस के बारे में आपको पता होगा कि वायरस इस संसार का प्रथम जीव है। वायरस इस संसार का प्रथम जीव होने के साथ साथ वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की हम लोग इसको बैरियर मानते हैं। क्यों मानते हैं? मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के चयन है, तो वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग की बैरियर क्यों मानते हैं, उसका मेन कारण ये है। देखिए, वायरस में जीवन के पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया में से केवल रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन का गुण है, और रिप्रोडक्शन का गुण होने के कारण से वायरस केवल वायरस सजीव है। वायरस सजीव क्यों है? क्योंकि वायरस में मात्र रिप्रोडक्शन का गुण है। मैं आपको बता चुका हूँ जिनमें जीवन की पांच मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया होगा वही सजीव है, लेकिन वायरस में ना डाइजेशन है, ना एक्सक्रेशन है, ना रेस्पिरेशन है, ना लोकोमोशन है, लेकिन मात्र कौन से गुण है? रिप्रोडक्शन गुण है। मतलब उसमें जीवन की केवल एक मूलभूत लक्षण है,
ओनली रिप्रोडक्शन, वायरस अपने ही समान नए जीवों को पैदा कर सकता है, मात्र जीवन की केवल एक ही लक्षण है, इसलिए इसको सजीव की श्रेणी में रखा गया है। वायरस निर्जीव क्यों है? तो वायरस को निर्जीव की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि उनमें डाइजेशन नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, एक्सक्रेशन नहीं है और लोकोमोशन नहीं है, मतलब जीवन की चार मूलभूत आवश्यक जैविक क्रिया उसमें नहीं है, केवल एक क्रिया है रिप्रोडक्शन। इसलिए वायरस को हम लोग ना सजीव कह सकते हैं ना निर्जीव कह सकते हैं, इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच हम लोग आज कड़ी कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग रेस्पिरेशन शुरू करना है तो रेस्पिरेशन का आपको परिभाषा बता देना चाहूंगा। श्वसन जीवों में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक बोध पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटित किया जाता है और इस अपघटन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और श्वसन के दो प्रकार होते हैं, श्वसन के कितने, तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं। पहला टाइप से हम लोग बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक का मतलब हम लोग कैसे, पहला हम लोग क्या कहते हैं एरोबिक, यहाँ पर लिखो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा को हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ये भी कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ बहुत बार बोर्ड एग्जाम में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वायवीय श्वसन की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन जीवों में होने वाली वह श्वसन है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटित किया जाता है जिसके कारण ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये क्या ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को हम लोग सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे और यहाँ पर 38 एटीपी ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। सेकेंड पॉइंट में लिखा हूँ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक मतलब यहाँ पर आपको ये बताना होगा यहाँ पर क्या नहीं है, वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं अवायवीय श्वसन जीवों में होने वाली वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में अपघटित किया जाता है। तो देख सकते हैं ये ग्लूकोज है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें कन्वर्ट हुआ एथिल एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा, लेकिन यहाँ पर 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस क्रिया को हम लोग अवायवीय श्वसन या एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अगर अंतर लिखना है तो पहला अंतर क्या होगा, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज जो होती है वे एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटती हैं। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो यहाँ तक अगर हम रेस्पिरेशन पढ़ना है तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। कहीं पर भी अगर डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ब्रीथिंग पर, ब्रीथिंग को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको श्वासोच्छ्वास के बारे में बताऊंगा। अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ तो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।